और अब बढ़ते हैं आगे। रांची नगर निगम के कई क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय के द्वारा सख्ती बरतने के बाद नगर आयुक्त की कोर्ट ने नगर निगम के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिस पर कार्रवाई की गई थी। हालांकि निगम की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया और न्यायालय से गुहार लगाई, जिसके बाद फिलहाल ने थोड़ी राहत लोगों को जरूर दी है। रांची नगर निगम अतिक्रमण पर अभी तक कोई भी अभियान नहीं चलाया। जिला प्रशासन के माध्यम से यह अतिक्रमण अभियान चल रहा था। रांची नगर निगम के माध्यम से अवैध भवनों पर कार्रवाई शुरू की गई थी। बहुत सारे फैसले नगर आयुक्त के माध्यम से लिए गए थे और उसमें उन्हें सील करने का और अपसरण करने का आदेश भी निकला था, लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये आदेश निकला वो हाईकोर्ट के शरण में गए हैं। वहाँ हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है, समय दिया है, तो मुझे लगता है इसलिए नगर निगम अभी एक रेस्ट मोड में है। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि अवैध भवन बने। तो निगम और सरकार हमेशा से आमने सामने रही है। नगर निगम के द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने भी सवाल खड़े किए। नगर आयुक्त द्वारा इस बरसात के मौसम में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि ऐसे अभियान चलाने से पहले लोगों को मौका दे। वहीं सड़कों पर जल जमाव पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेयर ने कहा कि कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेवार है, क्योंकि जिन सड़कों पर जमाव हो रहे हैं उन सड़कों के मेंटेनेंस की जिम्मेवारी राज्य पथ विभाग की है। बताओ, आप जहां की बात कर रहे हैं पूरे रांची में तो और कहीं दिखा नहीं, एकलव्य अपार्टमेंट दिखा और आप नहीं जान रहे तो बता दें हरमू रोड के पास। ये दोनों रोड पथ निर्माण विभाग जो पूरी तरह से शहर सरकार के पास है और इनका मंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में है, पथ निर्माण भी है नगर विकास भी है, और ये रोड जो पथ निर्माण विभाग का नगर निगम में नहीं है। अगर नगर निगम में नहीं है तो काम किनका है? सरकार का है, तो सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बताओ आप जहाँ तो रांची की सड़कों पर जलजमाव और उसकी सफाई व्यवस्था की पोल अमूमन हल्की बारिश खोल कर रख देती है, जिससे नगर निगम की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। हालांकि इन मामलों के निपटारे के लिए विभाग के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच इसी तरह मतभेद हमेशा खुलकर सामने आते रहे हैं।